के कंटा भागे दर से। परदेसी जरा सुनो तो, सबसे पहले तो तुमको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया, तुम अपने लिए एकदम सही मैसेज का चुनाव किए हो। तुम्हारी और चंचल की जोड़ी एकदम रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण जैसी लगती है। कहां भैया, वो इतने बड़े लोग और हम ठहरे नौकर। खबरदार, जो अपने आप को नौकर कहता हूं। अरे तुम हमारे छोटे भाई जैसे हो यार। लेकिन याद रखना कि भाइयों में झगड़ा एक नई आई हुई मिसेज कराती है। भैया चंचल ने कोई गलती कर दी का? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन हो सकती है। देखो हम तो आज के लौंडे हैं, हम इन बातों को नहीं मानते, लेकिन बाकी लोग नौकर और मालिक की दोस्ती को अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। भैया आप चंचल और गौरा की बात कर रहे हो ना? गौरा नहीं, गौरा मालकिन। जी भैया हम समझ गए। बस जो तुम समझे हो वो अपने मैसेज को भी समझा देना ठीक से, कि सगाई के बाद गौरा भाभी से दूर रहे, वरना नानी की गारंटी हम नहीं ले सकते हैं भैया। जी भैया हम समझा देंगे। शाबाश, जल्दी से जवाब दो रेखा, या तो हम तुम्हारी जिंदगी से जाएं या तुम घर जाओगी। जी हम घर जा रहे हैं, वैसे भी अपनी आंखों से सोम की सगाई हम देख नहीं पाएंगे। अरे हमको पहले मालूम था, हमको मालूम था तुम हमारे बिना रह ही नहीं पाओगी। हम गोपाल को फोन किए दे रहे हैं, तुमको घर छोड़ देगा। और अगर सोम? अरे उसकी चिंता मत करो, अम्मा सब संभाल लेगी। परदेसी और रेखा का तीर निशाने पे लग गया, अभी चंचल की बारी। ए चंचल, हाँ? जे अंगूठी मिलेगा? नहीं दादी, कहीं नहीं मिली। जे तुम्हारे छोटे से पर्स में तो नहीं है? दादी आप हम पे शक कर रहे? और नहीं तो का? शक कर रहे हम तुम पर, कीमती चीजों को देखकर तुम जैसे छोटे लोगों का ईमान बदलते हमने बहुत देखा है। ए दादी आप ऐसे, एक कौन है? अरे सोम भैया बैठो, ये परदेसी की मैसेज है, बैठो आप। देखो अभी नई नवेली दुल्हन है और अभी सही अपने चरित्र दिखा दिए। इसकी तो नजर पहले से ही अंगूठी पे थी। हम अपनी आंखों से देखे हैं। जे मिलना मिलाना तो बस एक बहाना है, अंगूठी चाहती थी ना तू? हमको तो पहले से ही शक था। एक चिंतित ही चुराई हो गई अंगूठी। चुप करो, मिली अंगूठी अभी तक उसके पास है, बेचारे को चोर बना। अरे हमने अंगूठी नहीं ली। वो तो पुलिस पता लगा ही लेगी। ए राहुल पुलिस को फोन कर जरा। अरे अभी लगा देते हैं नानी। नहीं 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 अरे नहीं नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम बात करते हैं ना। हाँ हाँ पुलिस को कल सिन कर दो। हमारी चंचो छोटी नहीं हो सकती। सोम भैया भाभी ना बिल्कुल हमारी अंगूठा टेक बुआ की तरफ बोलती है, वो भी ना कैंसिल का कलसिन बोलती है, कहीं भाभी भी तो उनकी तरफ। हाँ हाँ पुलिस को कैंसिल कर दो, हमारी चंचो छोटी नहीं हो सकती। भाभी जी कुछ और बोलिए ना, आपकी बोली ना हमारी बुआ जी की याद दिलाती है। ये लड़का तो हमारे प्लान पे पानी फेर देगा।
दादी। मामी जी, दी क्या हुआ? अरे चल, पानी ले। पानी लाओ मेरे। जल्दी जाओ। दादी, दादी। राहुल, तुम बकरे को फोन कर। ना, ना। गोरा, वो गोरा। गोरा। अब मैं वो। गोरा जी आपको दादी बुला रही है। दादी अब। दादी पानी पानी पियो। अब जरा अच्छा महसूस हो रहा है। पता नहीं हमको कहा हो गया था, हमारी तबीयत खराब हो गई। वो अंगूठी मिलेगा, शगुन करना है ना। अरे फिर वही बात दादी, हम बोले ना, हम उन्हें अंगूठी पहना दिए हैं। अब ये सगाई वगाई की कोई जरूरत नहीं है। चलिए छोड़िए इसको, अब घर चलिए हमारे साथ, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हाँ, हाँ, लीजियो। चलो, हमसे गलती हो गई, जो जे बच्ची पर गलत इल्जाम लगाया। ए दादी संभालिए अपने आप को, हम बोले थे पहले आपको। चलिए सहमत है आपकी बात से, पर देखिए रो रही है बेचारी। बिटिया देखो, हमारे पुत्र सोम को कुछ हो जाता है ना, तो हमको पता नहीं कहाँ हो जाता है। वो तुमने तोते वाली कहानी सुनी है ना, तो बस यही सोच लो कि हमारा जो पोता है ना सोम, जो तोता है, और हमारी जान इसमें बसी है। नानी से बड़ा कलाकार पूरे बनारस का, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। देखो तो रो का कैसा हालत बना लिया तुमने। राहुल, हमारे दुकान पे बनी हुई वो अंगूठी है ना, वो ले आओ सगाई के लिए। हाँ हाँ नानी। दादी हम कहे ना, रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। नहीं बिटवा, तो सगाई की रस्म तो पूरी होनी चाहिए, वरना अब शकुन हो जाता है। चलो बेटे, समझ नाम है। हे भोलेनाथ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा तैयारी करके बैठे थे हम, सोम की दादी और बुआ ने सब गड़बड़ कर दिया। अब तो अच्छा होगा कि स्टोर वाला ही साड़ी वापस ले ले, तो 50,000 रुपया बचेगा हमारा। अरे तुम पैसों की फिक्र मत करो, अपनी ट्विंकल के लिए ऐसे ऐसे कई 50,000 मैं खर्च कर सकता हूँ। क्या चाहते हैं आप, कि आपकी बिटिया ऐसे ही रिश्ता जोड़ती रहे और ऐसे ही टूटता रहे? अरे तुम भी यार बात को पतंग की डोर की तरह लंबा खींच देती हो, कभी तो ढील दे दिया करो, समझे? देखो जी, सोम की कहानी तो हमको खत्म ही लग रही है। देखो लगने और होने में बहुत फर्क होता है। ट्विंकल का सोम को लेकर अभी चुनाव प्रचार खत्म नहीं हुआ, और वोटिंग करा दे, ऐसे कैसे करा दे वोटिंग? पापा, जब दूसरी पार्टी आपकी पार्टी को समर्थन नहीं देती है, तो आप क्या करते हैं? अरे हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, जो कुछ करता है पैसा करता है। और अगर उससे भी नहीं माने तो फिर शेर सिंह अवस्थी करता है। शेर सिंह अवस्थी ये कौन है? हमारा पहलवान, घर से उठा लेता है। यस, तो पापा फिर आप सोम को घर से उठवा लो। अरे बेटा सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। मम्मी, इसके चक्कर में ना हमारे कई फलों की शादी हो चुकी है, और कई फल तो हमें छोड़ के भाग गए, और अगर सबर किया ना तो ये सोम हमारे हाथ से निकल जाएगा। अरे तो बेटा पूरे बनारस में एक ही लड़का थोड़ी है, हम उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ मम्मी, तो फिर हम इस टैटू का क्या करेंगे? मम्मी, हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? अरे तो क्या जरूरत है इसे बनवाने का? हमने सोचा कि रिश्ता पक्का हो ही गया तो टैटू भी पक्का कर लेते। पापा आप सोम को उठवा लो बस। अरे बेटा चुनाव आने वाला है, ई वक्त हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। अगर ई बार भी चुनाव हार गए ना, तो बस फिर पार्टी का अध्यक्ष पद भी हमसे छिन जाएगा। पापा, आपको अपने पद छीनने की पड़ी है, यहाँ हमारा सुख चैन सब छीन चुका है। अरे बेटा मेरा सुख चैन तो पहले तेरी मम्मी मेरे से छीन चुकी है। अब एक पार्टी का अध्यक्ष पद ही बचा था, अब वो तो बचा लेने दो। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि पार्टी का अध्यक्ष पद तो बच जाए कम से कम। फटा छीलो। ठीक है।
लाओ पर्स दिखाओ मुझे। दादी आप कैसी बात कर रही हैं? वहाँ की बात वहाँ रहने दो, यहाँ की बात करो, पर्स दिखाओ। दादी अब जो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है? हमें तो अंगूठी दिख रही है। मैं तुम्हें बता दो, तुम्हें क्या दिख रहा है? दादी दादी हमको सच में नहीं पता कि ये अंगूठी हमने बटवे में कैसे आई, हमने रखी। दादी 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 प्लीज प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिए। हम पुलिस को नहीं फोन कर रहे हैं, हम तो परदेसी को फोन कर रहे हैं ताकि उसे पता चले कि जिस घर में उसने इतने सालों से नमक खाया उसकी नई नवेली दुल्हन उस नमक की कीमत कैसे चुका रही है। दादी हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए। आज के जमाने में मुफ्त में कछु नहीं मिलता है बिटिया। दादी आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ना बिटिया हम इतनी बुरी भी ना आए हैं कि किसी गरीब की मजबूरी को ना समझे। तुमको बस हवाए ना एक दो बातें माननी पड़ेंगी। पहली जे जब तक गोरा का ब्याह हमारे पोते सोम से नहीं हो जाता तुम उसके पास फटकों की भी ना आए। दूसरी किसी के भी पूछने पे तुम जे कतई नहीं बताओगी कि तुम गोरा की बचपन की सहेली हो। ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। शाबाश। गोरा की दतिया सास सास नहीं ढाइल सास है। हम भी देखेंगे कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। वैसे हमारी सगाई तो महेश नाम की एक लड़की से हुई थी ना, लेकिन ब्याह तो रमेश के साथ हुई ना। यही इतिहास हम सोम के साथ दोहराएंगे, सगाई गौरा के साथ लेकिन ब्याह टिंकल के साथ। टिंकल। हाँ समधन जी, अब क्या हमें सोम की शादी में इनवाइट करने के लिए फोन किया है? देखिए बहन जी। हाँ बहन कहने लायक काम तो आपने किए नहीं है। हमारी भूल सी बच्ची का दिल तोड़ के क्या मिला आपको? एक बात कहें, आप खाली लड़का पैदा की उसको मर्द नहीं बना पाई। अरे ऐसा लड़का किस काम का जो अपने हक के लिए लड़ाई ना लड़ पाए। आप और सोम तो हट गए ना पीछे, अब हम कहां जाएं? अरे ऐसा थोड़ी। मम्मी बस करो। मम्मी जी हमारी मम्मी की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो क्या है ना, उनसे हमारा दुख देखा नहीं गया और बिना सोचे समझे आपको कुछ भी सुना दी। बेटा हम समदन जी की पीड़ा समझ सकते हैं, आखिर वो भी तो माँ है। तुम कैसे हो असला रूम में छोड़ दी? मम्मी जी हम किसी का दिल तोड़ नहीं सकते और सोम जी दादी वाला रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, तो हम क्या करते मम्मी जी? देखो बेटा हमारी सासू माँ ने एक छोटी सी लड़ाई जीत ली है लेकिन जंग अभी बाकी है। तुम तो हमारी सिपाही हो, तुम अगर अपना दिल छोटा करोगी तो कैसे चलेगा? बेटा हमने तुम्हारे साथ एक डील की, हमको डील याद है। हम इतनी आसानी से पराजय नहीं मानेंगे, कुछ तो करेंगे हम। मम्मी जी आपको नहीं पता आपकी बातों ने हमें बहुत सहारा दिया है। आपने हमें फोन किया इसके लिए थैंक यू। अच्छा बेटा अब हम फोन रखते हैं। हाँ महादेव से प्रार्थना करो कि हमें शक्ति मिले। जी मम्मी जी जय महादेव। अब मैच हारने के बाद क्या कह रही है रेखा जी? यही कि सगाई सेमीफाइनल था, फाइनल अभी बाकी है। आप गए थे ना मम्मी को लेने, कहाँ है? सासू माँ को यहाँ होना चाहिए था, बेचारे सोम जी भी कितना दुखी हैं।
हाँ लेने तो गए थे, पर वो उसके पाँव में थोड़ा दर्द हो रहा था तो हम उनको लेकर आते। अरे सोम भैया ऐसे यहाँ से अभी जाना ठीक नहीं रहेगा। अरे मम्मी को बस यहाँ सगाई एरिया तक लेके आ रहे हैं। ये कहाँ मिली? बाहर घास में पड़ी मिली। हा? अरे हमें तो लगता है कि जो अंगूठी चुराया होगा वो पुलिस के डर के मारे बाहर फेंक गया होगा। जाने दो, हमारे फंक्शन में कोई चोर लोग थोड़ी ना आते हैं। जे हो सकता है किसी के कपड़े में उलझ गई हो और बाहर गिर गई हो। है अब मिल गई ना, बात खत्म। बेटा जी बेटा बस बेटा पहना सोम भैया, ये पहना सोम भैया पहनो। बधाई हो चंदन जी, आपको भी। ठीक है ठीक, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब काम अच्छे से संपन्न हो गए। जय हो भोले बाबा की। दादी अब तो आप खुश है ना? हाँ बिटुआ, आज तुम्हारी दादी बहुत गुस्से है। लेकिन हमें लगता है कि मम्मी हमारी सगाई से खुश नहीं, वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास तक नहीं आई। अरे बेटा देखो हम तुम्हें झूठ नहीं बोलेंगे, पर ये बात सच है कि तुम्हारे अम्मा को थोड़ा बुरा तो जरूर लगा है। तुम्हारी सगाई हमारी पसंद की लड़की से काय हो रही है, पर अब हो गई तो कोई कछु नहीं कर सकता है। वैसे तुम्हारी अम्मा तुमको लेके बहुत खुश है, हमें पता है। वो तो क्या हुआ ना, चारे के पैरों में थोड़ा ज्यादा दर्द शुरू हो गया था तो उसे घर जाना पड़ा। लेकिन हम तुम्हें ये बात का यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारे ब्याह पे तुम्हारी अम्मा अपने सारे अरमान पूरे करेगी। का? अरे तू भी खुश हो जा। नमस्ते नमस्ते, आओ आओ आओ।